इसी के साथ गेम ऑन। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैदान के उत्तरी छोर से घाटशिला कॉलेज घाटशिला के खिलाड़ी काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा कल उनका, और मैदान के दक्षिणी छोर पर हमारे कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के खिलाड़ी हैं। दोनों ही टीमें काफी मजबूत। सेमीफाइनल का ये मुकाबला ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से ये टीमें बहुत ही ज्यादा सक्षम हैं, और इसी वजह से सेमीफाइनल में पहुंचने का ये मुकाम उन्होंने हासिल किया। और अब किक लेने के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के खिलाड़ी बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया यहाँ पे शॉट खेला है, गेंद बढ़िया तरीके से आगे निकली, और क्या यहाँ पर खतरा हो सकता है। जी हाँ, खतरा टला नहीं था। एक अलग ऊर्जा के साथ दोनों ही टीम मैच के शुरुआती क्षणों में ही खतरा बनाते हुए पूरा बोल पोजीशन घाटशिला के पास। 13 नंबर का खिलाड़ी आउट लाइन के बाहर। और आज के मैच का संचालन कर रहे हैं हमारे रेफरी महोदय प्रकाश सवैया जी मौजूद हैं, मानकी कुदादा जी मौजूद हैं, रंजीत सवैया और हमारे सुनील महतो जी आज इस मैच के संचालन की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर। और हवा में ऊंचा लंबा शॉट कब्जे में लेने की कोशिश, बेहतरीन यहां पर तरीके से अच्छा पास दिया। फिर से गेंद कोऑपरेटिव के पक्ष में, जर्सी नंबर 14 तेज तर्रार खिलाड़ी है, बेहतरीन बहुत ही एक सीधी रेखा खींच दी है वहां पर, और वहां पर बढ़िया तरीके से गेंद को पास किया। इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन और यहां पर फाउल का इशारा। आउटलाइन के बाहर कोऑपरेटिव के पक्ष में गेंद बढ़िया थ्रो यहां पर, फिर उसको आउटलाइन के बाहर भेजा, नाकाम किया घाटशिला कॉलेज घाटशिला के खिलाड़ी। यहां से बाबू तो बढ़िया थ्रो, बार बार खतरा मंड रहते हुए नियर पोस्ट के सामने, ओह किसी तरह खतरा टला। अटैक पे अटैक दोनों ही टीम बार बार टेस्ट करते हुए गोलकीपर को, और एक पुनः और एक मौका कॉर्नर के जरिए कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए। शानदार बचाव घाटशिला कॉलेज के गोलकीपर द्वारा। जी हाँ, विधान हांसदा जी हैं, बढ़िया गेंद को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया। और यहां पर जिस तरह से मैच आगे बढ़ता हुआ, तापमान बढ़ता हुआ, हालांकि बाहर जो हमारे वातावरण का तापमान कम है, लेकिन मैदान के अंदर का तापमान काफी ज्यादा। एक सुनहरा मौका, क्या इसे मौके को भुना पाएंगे? हमारे दर्शक चाहते हैं कि मौके का फायदा उठाया जाए। और यहां पर गेंद रखी गई है, हाँ।
शॉट, खतरा टला नहीं है, खतरा नहीं टला है, शंकर के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। और बढ़िया से लगातार नियर पोस्ट बचाते हुए एक बार नहीं दो दो बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार की खतरे की घंटी कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए घाटशिला कॉलेज के खिलाड़ियों द्वारा यहां पर हल्की सी चोट आई है, उम्मीद करते हैं कि चोट हल्की ही हो। पारा चढ़ता हुआ, आशा करेंगे कि संगीन मामला ना हो। युवा हैं, अक्सर इस तरह की चोटों से उभरते रहे हैं और देखिए किस तरह से दोबारा तैयार होते हुए पुनः कोऑपरेटिव कॉलेज के पास शॉट लेने का मौका। चार नंबर का खिलाड़ी शॉट लेने के लिए तैयार, शिफ्ट कर दिया हल्की सी, ओह कोच उनको बैठने बोले, जर्सी सेम कलर है, ऑफसाइड में दिक्कत होगा असिस्टेंट को ना, इनको इनको बैठने बोले, आराम से बैठ के देखने बोले, बैठे सर बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी तक हमारे जो कोच हैं वो हरकत में नहीं आए हैं, मैच में काफी उत्साहित हो गए थे और दोनों ही टीम के कोच काफी आक्रामकता रवैये वाले खिलाड़ी रहे होंगे अपने जमाने के, जिस प्रकार सूझबूझ और गेम सेट करके आते हैं काबिले तारीफ। चक्रव्यूह रचते हुए यहाँ पर पुनः सात नंबर के पास किसी तरह रिफ्लेक्शन आई, यहाँ पर बढ़िया पास खिलाड़ी को चकमा दिया, दूसरे को देखिए किस तरह से अच्छा पास देते हैं, बढ़िया यहाँ पे पास दिया, जर्सी नंबर 18 के पास गेंद है, मैं दर्शकों से पुनः आग्रह करता हूँ कि जो भी लाइन के इर्द गिर्द मैच का लुत्फ उठा रहे हैं कृपया लाइन से उचित दूरी बनाए रखें ताकि खेल में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो। सूरज मुर्मू जर्सी नंबर 7 से खेल रहे हैं, एक आगे क्लियर जरूर किया है, बढ़िया यहाँ पर एक आगे क्लियर किया कोऑपरेटिव कॉलेज, और खूबसूरत तरीके से गेंद को खतरा हो सकता था, अपील करते हुए यहाँ पर
निवेदन कर रहे हैं। लगता है मेडिकल टीम, जी बिल्कुल, ये हमारे कोच महोदय हैं, दोनों ही तरफ से कोच, जाइए जाइए जाइए, मेडिकल टीम है ये, बहुत ही सराहनीय प्रयास। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पुनः खेल का संचलन हो। कोच महोदय जाकर एक जादू की झपकी देकर आकर आते हुए और एक सुनहरा मौका कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए शॉट लेंगे 10 नंबर का खिलाड़ी। ओह, मानो सांसें थम सी गई थी पोस्ट बचाते हुए। बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए जो गमछा से व्हाइट गमछा से बेंटा किए हैं, आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं, हमारे रेफरी महोदय जी को थोड़ी सी यहाँ पर असहूलियत होती हुई। पारा बढ़ता हुआ मैच का, दर्शक भी अपने आप को गेम से जोड़ते हुए। जिस प्रकार की दोनों ही टीमें फर्स्ट हाफ में ऊर्जा दिखाते हुए, ये कहना मुश्किल है कि अब किस करवट गोल आएगी। पुनः पोजीशन 8 नंबर का खिलाड़ी छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन आउट लाइन के बाहर। और हमारे दर्शक अब तक ये निर्णय ले चुके होंगे कि किस टीम का उन्हें सपोर्ट करना है। फैंस हैं और हमारे दर्शकों के बिना खेल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। थोड़ा पोजीशन 10 नंबर के पास चांस बनेगा, नियर पोस्ट के इर्द गिर्द गिर गए 10 नंबर के खिलाड़ी। पुनः पोजीशन गवाते हुए चांस बनेगा, पुनः कोऑपरेटिव कॉलेज के पास गेंद। कृपया अपनी प्रतिक्रिया न व्यक्त करें, खेल भावना बनाए रखें। सारे खिलाड़ियों से अनुरोध है कि खेल का सम्मान करें, खेल भावना बनाए रखें, भरोसा रखें, अपील जरूर करें आप, ये आपका हक है, अपील करना आपका हक है, अपील अवश्य करें। और हमें हमारे जो संचालक मंडली है उन पर पूरा भरोसा। पारा चढ़ता हुआ यहाँ पर, मैदान के अंदर तापमान काफी ज्यादा, और ये देखिए हवा में गिर। वो अपने ही खिलाड़ी के पीठ पर पास देने की कोशिश, एक फनी मोमेंट बनता हुआ, और एक चांस बनने की कोशिश। पूरा कार्सिला के पास गेंद,
18 नंबर का खिलाड़ी तेजी से आउट लाइन के पार, थ्रोइंग का चांस खासिला के पास, 18 नंबर का खिलाड़ी शॉट लेने के लिए तैयार। एक सुनने की बढ़त मिल सकती थी लेकिन किसी तरह खतरा डाला, दोनों का शून्य शून्य लाइन। बढ़िया वापसी करते हुए यहां पर काटसिला के खिलाड़ी, जी हाँ बैक पास क्या है काटसिला खिलाड़ियों ने, बढ़िया यहां पर तालमेल बनाने की कोशिश। जर्सी नंबर 8 पर तेज तरह खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी को खींचे गेंद को निकाला, मानो चीते की तरह छलांग लगा के दोनों ही खिलाड़ी आपस में जुझते हुए। पुनः पोजीशन 7 नंबर कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए, 2 नंबर का खिलाड़ी शॉट लेने के लिए तैयार। सूरज मुर्मू जर्सी नंबर 7 पर खेल रहे हैं, डॉक्टर हरीश कुमार मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनकी भी वाणी हमें सुनने को मिलेगी बीच बीच में। पुनः स्वागत है सर आपका। बढ़िया शॉट गगनचुंबी शॉट,
लास्ट तक बहुत बहुत बढ़िया खेल रहे हैं हमारे दर्शक बंधु। आप सब जो अभी अभी जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत मैच में। सभी खिलाड़ियों से आग्रह है, एक भाईचारे की भावना के साथ हम ये मैच खेलेंगे तो बेहतर रहेगा, बेहतरीन खेल दिखाएं। जितना बढ़िया आप खेल दिखाएंगे उतना ही हम दर्शकों से प्यार मिलेगा। और यहाँ पर खतरा हो सकता था, बहुत ही चतुराई भरा गोली कीपिंग का नजारा उसे। एक शून्य के बाद कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए मानो प्लेट में रसगुल्ले ढेर सारे हैं, खाने वाला एक है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा, एक शून्य की बढ़त लेते हुए कोऑपरेटिव कॉलेज। जी जिन्होंने गोल किया था कृपया हाथ उठा देंगे। 10 नंबर का खिलाड़ी इस मैच का अपने टीम के लिए अपना पहला गोल।
और आपको बता दें कि ये कैप्टन है कॉपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के, दुर्गा चरण टूटू। जी हाँ, जैसे ही मैच बढ़ रहा है हमारे कोचेस जो हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, एक आग सी लगी है इधर और एक चांस, एक कोशिश बराबरी पर ला सकती है। हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे नजरें चुराओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को आने से रोक पाओगे कैसे। एक बदलाव की तैयारी में इधर बढ़िया बचाओ भाई, मजा आ रहा है गेंद हवा में। बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, इधर आइए, इधर वार्म अप इधर कीजिए। पुनः ऑफसाइड का इशारा, कुछ क्षण पहले ही ऑफसाइड हो चुकी थी, ऑफसाइड का इशारा, अन्यथा 2-0 की बढ़त ले सकते थे कोऑपरेटिव कॉलेज। बीच में
और एक लंबा सा शॉट इसी तरह खतरा टंगा पुनः पोजीशन खारसिला कॉलेज के पक्ष में कॉपरेटिव कॉलेज के गोलकीपर लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर खतरा बनाने की कोशिश। दर्शक बंधुओं कृपया उचित दूरी बनाए, जी हाँ बिल्कुल, जो बच्चे वहां पे खड़े हैं आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा और पीछे हो जाए, हमारे कोच नजर नहीं आ रहे हैं, और जो आप बैठे हैं आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, कृपया पीछे हो जाए। पवन जी थोड़ा पीछे हो जाए, और अपना वो जो आपने बिछाया उसको भी थोड़ा पीछे कर लें। दोनों ही टीमें जमशेदपुर की आपस में सेमीफाइनल का यह मैच खेलती हुई फाइनल में जगह बनाने की कोशिश। बड़ी हाँ शॉट हवा में गई, हेडिंग के जरिए आगे निकाला है, पुनः गोल पोजीशन कॉपरेटिव कॉलेज के पास। 11 नंबर का खिलाड़ी काफी भारी पास कह सकते हैं, और ये पाव Thank you.
मुझे चिंता हो रही है कोच महोदय जी आपके गले की। तारीफ करनी होगी हमारे दर्शकों की धैर्य पूर्वक मैच का आनंद लेते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हलचल सी मच रही होगी। आप टाइम का खेल यहाँ समाप्त होता हुआ।